लखनऊ की है प्रज्ञा मिश्रा। अब जो कोई लखनऊ आए प्रज्ञा मिश्रा को ना जाने तो ये तो बात वो नहीं है, मुलाकात करके जाएंगे। अगर वो प्रज्ञा मिश्रा है तो हम भी हम हैं, वो कम नहीं तो हम भी कम नहीं है। तो आज मुलाकात होगी उनसे और एक घमासान बातचीत होगी। पूनम पंडित आई हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, आइए जरा वोट लेके देखें। ये रोजगार के नाम पे जरा वोट लेकर के देखें, महिलाओं के सम्मान के नाम पे। हमारे पास जो कुछ है हमारी अपनी मेहनत का है, इल्जाम लगे अलग बात है। वोट दिया इनको 2014 में भी मैंने वोट दिया और इनको 19 में भी मैंने वोट दिया। तो जब वोट दिया तो हमारा अधिकार है ना इनसे पूछने का। ऐसे लोगों को मौका मत देना, नहीं तो जिंदगी में कोई आंदोलन नहीं होगा। तो नाराजगी इसलिए होगी ना, हमने बदलाव के लिए वोट दिया, अब इन्होंने जातवाद धर्मवाद ये सिस्टम फैला दिए घुमा दिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो होर्डिंग लगाए हैं वो प्रधानमंत्री फंड से लगाए हैं, प्रधानमंत्री जी की सैलरी से, या मुख्यमंत्री जी की सैलरी से लगाए हैं, या जनता के टैक्स से लगाए हैं, या अपनी जमीन वमीन बेच के लगाए हैं। तो होर्डिंग लगाने से तो बढ़िया वेंटिलेटर और ज्यादा बढ़ा लेते, हॉस्पिटल बढ़ा लेते, कि जब ये आरएसएस वाले आएंगे ये देश का नाश करके जाएंगे, लोगों को बटाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे, लोगों को झगड़ाएंगे, ये लड़ाएंगे भिड़ाएंगे। मेरी सभी धर्मों के लोगों से अपील है, विनती है बहुत ज्यादा, अपनी छोटी बच्ची समझ के विनती मेरी मान लेना, कि इनके बहकावे में बटना नहीं है आपको, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। रोटी, और जब रोटी की बात चले और बेटी ना बोले तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हो गई ना। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रही हूँ जो किसी भी तरह की पहचान की कोई मोहताज नहीं है। बुलंदशहर के इस्माइलपुर से आई हुई पूनम पंडित जी से, जिनको हर कोई जानता होगा। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। आप इतना बढ़िया, इतना धाकड़, इतना शानदार, बिना रुके बिना टुके, मतलब एकदम धड़ 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 कैसे बोल लेती हैं आप? इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं? जब हम कभी किसी की रिश्वत नहीं खाते, अपने मेहनत की रोटी खाते हैं, मेरा ये मानना है, जब हम अपने मेहनत की रोटी खाते हैं, अपने खुद करके खाते हैं, और हमारे माँ बाप किसी की रिश्वत से नहीं हमें पालते, हमारे पेट में ऐसी रोटी नहीं गेरते, तो मेरा ये मानना कि सभी वो ऐसी बेबाक बोलते हैं। और सच बोलने के लिए किसी मोटिवेशन की या किसी राह पे चलने की या किसी स्क्रिप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम सच बोलेंगे, सीधी बात है, वो बेबाक ही निकलेगी। सही बात। अच्छा पूनम, मैं पर्सनली चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार आपको सुना है वो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप एकदम धो देती हैं सबको, उसी लैंग्वेज में बात करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी भाषा में अपनी बात करूंगी, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और धरातल से जुड़े हुए हैं, और जिस चीज़ को हमारी पहचान है वही मैं करेंगी। जब जब किसानों की बात आती है तो पूनम पंडित किसानों की प्रवक्ता की तरह नजर आती हैं हमेशा। ये तो मेरे बुजुर्गों का बहुत मेरे पे आशीर्वाद है, जो हमारे किसान बुजुर्ग हैं, महिलाओं का साथ, युवाओं का साथ है, और सबसे मेन बात है निष्पक्ष पत्रकारों ने मुझे सहयोग करा जाकर के आंदोलन में। हमने रोटी की बात चल रही इसलिए हमने आंदोलन को सहयोग कर दिया। जब रोटी तो हम हर कोई खाता है ना इस देश में, वो थोड़ी खावे जो ये बता रहे हैं बैठ बैठ के। तो रोटी हम खाते हैं, रोटी की जब बात चल रही और फिर मैं देश की बेटी हूँ, रोटी और जब रोटी की बात चले और बेटी ना बोले तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हो गई ना। तो रोटी बेटी की बात चल रही थी, लोगों का इतना आशीर्वाद मिला मेरे बुजुर्गों का, और आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों ने मुझे बहुत सहयोग करा, यूट्यूब चैनल वालों ने भी और टीवी चैनल वालों ने भी, तो उनके आशीर्वाद से इतना कुछ। अच्छा, बड़े इल्जाम लगे पूनम के ऊपर कि पूनम का घर बहुत 5 स्टार होगा, पूनम तो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमती होंगी, लेकिन सच्चाई पूनम खुद बताएंगी आपको, तो हमें तो पता ही है। हाँ जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जब हम किसी से बात करें तो हम उसके बारे में जान लेते हैं, तो आपको इतना पता है। मेरे पास जो है मेरे बुजुर्गों का दिया हुआ, मेरे बाबाओं का दिया हुआ, मेरे फादर साहब का, मेरी माँ का, और मेरी खुद की मेहनत का। मेरी आज उम्र 24 साल होकर 25 में मैं एंटर कर रही हूँ, और मेरे 17 साल की उम्र से मैं मेहनत कर रही हूँ अपने परिवार। अच्छा सर, देखिए आपके पास आईफोन है, कई लोगों ने कहा होगा, मतलब मैंने देखा है कई टीवी चैनल वाले आपके घर की छत पर खड़े हो गए ये देखने के लिए कि पूनम पंडित कैसे रहती हैं। तो आप तो मेहनत से करती हैं जो भी करती हैं, तो कैसा लगता है कि जब कोई ऐसे ये आईफोन, मेरे एक भाई हैं जगड़ भाई उनका नाम, तो उनके यहाँ मैं खाने पर गई थी तो उन्होंने ये फोन मुझे दिया था गिफ्ट में। उनकी माता जी ने 85 साल की उम्र है, तो उन्होंने मुझे ये फोन गिफ्ट करा था, उनके भैया ने लाके दिया होगा, तो बेटी आशीर्वाद के तौर पर। मैंने कहा माँ जी, मुझे ये चलाना भी नहीं आता। दूसरी बात, हमारे पास जो कुछ है हमारी अपनी मेहनत का है, इल्जाम लगे अलग बात है, लेकिन जब हमें सरकार ने हमारी आईडी जांच, ईबी जांच, ये जांच, LIU सब करवा ली,
सारी जांच मेरी हो चुकी, मेरे घर पे सीओ मैडम जाती थी, पुलिस जाती थी, बहुत सारी सारी देखने की लड़की आंदोलन में ऐसे ही बोल रही है, कहीं बिक के तो नहीं बोल रही है, किसी ने खरीद के तो नहीं भेजा हुआ, या कोई करप्ट तो नहीं है, भ्रष्टाचारी तो नहीं, इस तरीके से मेरी सब जांच, सरकार ने मेरी सारी जांच करवा ली, सरकार मुझे गलत साबित नहीं कर पाई है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है मेरी मेहनत का, मेरे घर वालों की मेहनत का। तो मेरे को ये जो आंदोलन में रोकने की कोशिश कर रही है, आंदोलन को बिना किसी अधिकार पे यानी कि बिना बिल वापिस हुए खत्म करना चाहते हैं जो आंदोलन को, ये मुझे वे ऐसे ऐसे लोग रोक रहे हैं, तो मुझे वो क्या साबित करेंगे? तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तपरस खुला खेल फरूकाबादी वाला काम है, हम सीधा काम करेंगे, काम करेंगे, लोग जुड़ेंगे, आशीर्वाद देंगे, सहयोग करेंगे, ऐसे तो बोलने वाले बहुत लोग बोले यार, बोल रहे हैं आप। देखा, एक चीज आपने बड़ी नोट करी होगी, देखो मुझे रोकने की इतनी कोशिश करी है ना, इल्जाम भी बहुत सारे लगाए, लेकिन आज तक भी साबित कुछ नहीं कर पाई। ये देखो ना तुम, तो हम जब गलती नहीं होंगे तो साबित क्या करेंगे? तो साच को आज नहीं पूना, बिल्कुल भी नहीं। और हमें, मुझे इतना पता, कर्म करते रहना चाहिए, जो कोई बोल रहे हैं कुछ बोलन, तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले शुरू में एक दो बार फर्क पड़ा है, लेकिन अब मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोल रहे हैं बोलन, तो हो सके क्या पता मेरे लिए बोल के शायद परमात्मा उनका भला कर दे, ना चाहते हुए वो देखना मुझे नहीं चाहते, सुनना मुझे नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी वो देखते मुझे हैं, इतने बिजी टाइम में वो मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, तो मैं तो उनको भी बार बार धन्यवाद करूंगी। क्या पता मेरे लिए बोल के शायद परमात्मा उनकी सुन ले, उन्हें मेरे से ज्यादा आगे बढ़ा दे, आशीर्वाद मिल जावे, तो कोई बात नहीं, मुझे तो उनसे भी दिक्कत नहीं है। अच्छा पूनम, राजनीति में आने का कभी सोचा है क्या? चुनाव क्यों नहीं लड़ती, किसी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं करती पूनम? देखिए, हमारे घर में से कोई चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं, हम इतने सक्सेस फैमिली से नहीं है, और ना हम शर्माते अपनी असलियत बताने में। तो रही बात पार्टी को किसी को सपोर्ट करने की, अभी इतना समय ही नहीं मिला कि हम पूरा बायोडाटा निकाल सके कि किस पार्टी ने कितना काम अच्छा जनता के लिए करा, किस पार्टी ने नहीं करा। अगर हमें कुल मिला के अपनी एक बार 403 सीट हैं, हम इनके खिलाफ वोट डलवाएंगे, बाकी सपोर्ट किसको करेंगे ये चीज़ हम जब देखेंगे, जब पूरा अभी इतना समय नहीं मिला। आप भी जानती हैं कि उस टाइम से आंदोलन में लगे हुए हैं कि हमारे लिए किस पार्टी ने कितना अच्छा काम करा, किस युवा नेता ने अच्छा काम करा, कौन से मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ठीक रहे हैं, तो उस चीज़ का पूरा एक बायोडाटा निकाल कर फिर अच्छे से सपोर्ट करेंगे पार्टी को। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, इतना दम तो हम में नहीं है ना अभी कि हम अपनी पार्टी अलग खड़ी कर लें, लोगों का भला कर दें। करेंगे सपोर्ट, लेकिन पूरा बायोडाटा निकाल कर अच्छे से सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे, और इनका कान पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे, घुमा के पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के बात नहीं करूंगी, सीधी बात करूंगी, डायरेक्ट इनके खिलाफ वोट गिरवाऊंगी, इनके खिलाफ प्रचार करूंगी बीजेपी सरकार के, क्योंकि जितना सब कुछ हुआ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है सरकारों में, इतना नहीं होता। इतनी नाराजगी कैसे पूनम? मतलब बुलंदशहर से आई हुई, एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की, इतनी धाकड़, इतना गुस्सा सरकार के प्रति कि मतलब जब सामने आती है कैमरे के तो सब धो देती है, सब हवा में उड़ जाता है, धूल हो जाता है। आपने देखा, अब से पहले मैंने विरोध नहीं करा इनका, मैंने खुद वोट दी, ये बात मैंने मीडिया में बोली, हजार बार बोली, वोट दिया इनको 2014 में भी मैंने वोट दिया, और इनको 19 में भी मैंने वोट दिया। तो जब वोट दिया था, हमारा अधिकार है ना इनसे पूछने का। अब जब मैं देख रही हूँ, घर से बाहर निकली हूँ, जिम्मेदारियां पूरी करके, बहन की शादी करी, फादर साहब नहीं है, भाई की भी करी, बहुत जिम्मेदारी निभाई, बाहर निकले, आंदोलन में आके जब देखा कि जो युवा है, देखो ना युवा का काम क्या, क्या युवा का काम है आंदोलन करने का? क्या युवा का काम है रोड पे फालतू बैठने का? युवा पढ़ा लिखा इतना है, एसएससी के बच्चे इतनी वो कर रहे थे प्रोटेस्ट, आपने भी देखा, सिर्फ वो क्या मांग रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद महिलाओं का देखा कितने इनके उसमें सम्मान हुआ, कितना वो मोदी जी की एक रैली में एक महिला की साड़ी खींच दी थी, अब से पहली प्रोटेस्ट से पहली बता रही हूँ, तो उसमें ये सारे हालात देखे तो सोचा कि क्यों ना युवाओं के लिए एक आवाज उठाई जावे, और किसान जिससे हमारा देश जाना जावे, भारत जाना जावे, तो हम उनके लिए सहयोग कर रहे हैं, बड़ी बात है और करना चाहिए जब रोटी खाते हैं। तो मेरा अब एक ये स्पेशल ये नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ किसानों को ही सहयोग करूं, मैं हर उस व्यक्ति को सहयोग करूं, उस व्यक्ति को सपोर्ट करूं जो महिला है जिनका सम्मान खराब हुआ। आपने देखा होगा अभी क्या हुआ, एक महिला प्रत्याशी थी, उनके साथ क्या हुआ, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूं। जो युवा है अपनी नौकरी के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं उनके लिए, किसान है अपने सम्मान निधि के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो मतलब मैं सभी के साथ खड़े रहना चाहती हूँ, सभी को सहयोग करना चाहती हूँ। अच्छा, आपका नाम पूनम पंडित है, तो पूनम पंडित ही नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम पूनम पंडित ही है। हाँ। और मेरे जो फादर साहब थे वो मुझे प्यार से बेटे की तरह बिल्कुल वो मानते थे, तो वो मुझे प्यार से पंडित जी बोलते थे। मेरे फादर साहब पंडित जी क्या कर रहे हो, पंडित जी तो पूनम नहीं बोलते थे, वो तो वो प्यार से मुझे पंडित बोलते थे, तो इसलिए मेरा नाम पूनम। पंडित जी, चलिए पंडित जी हम भी कह लेते हैं। पंडित जी, कैसे नाराजगी हो गई भारतीय जनता पार्टी से आपकी, इतनी नाराजगी कैसे हो गई? अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह तो सपोर्ट करती थी। हाँ जी, देखिए अगर
पर आज हमने हमने वोट दिया क्योंकि कि बदलाव होएगा। अब बैठ के बदलाव ही नहीं करना देखना चाहती, बदलाव यही देखना चाहे जो हमारे जैसे घूम रहे हुए, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, 7 साल में वो 14 करोड़ हो गए है ना, अब नए देने की बात कर रहे हैं ये 1 करोड़ योगी जी, तो पहले पुराने वाले ने तो पूरे कर लेते, तो नाराजगी इसलिए होगी ना, हमने बदलाव के लिए वोट दिया, अब इन्होंने जातवाद धर्मवाद ये सिस्टम फैला दिए, घुमा दिए हम लोगों को, हमारे मुद्दे से भटका दिए। तो सारी सरकारें करती हैं पूनम, ये तो सब सरकारें करती हैं। देखिए जितना आप रिकॉर्ड उठा करके देखना, जितना इन्होंने करा किसी सरकार ने नहीं करा, जितनी इन्होंने कट्टरता पब्लिक को प्रताड़ित करवाया, पुलिस से प्रताड़ित करवाया, पुलिस वालों से, नेताओं ने इतनी गलत गलत भाषा में एसएसपी साहब को ऐसे धक्का दे के बात कर रहे हैं, वो भी हमारे ही बीच के हैं, पुलिस वालों पर दबाव बनाकर जनता को प्रताड़ित करवाना, इतना महिलाओं के लिए इतना अभद्र व्यवहार करना, साड़ी खींचना, कौन से उसमें लिखा, आप रिकॉर्ड देखना उसमें कहीं भी नहीं हुआ होगा जितना इन्होंने करा, तो वो क्यों करा। दूसरी बात, जब भी कोई सरकार हो गई सत्ता में, जब हम रोजगार के लिए अधिकार के लिए, अब ये सरकार है तो हम इनसे ही तो कहेंगे, कांग्रेस से नहीं कहेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से नहीं कहेंगे, इनसे कहेंगे, पावर में ये हैं, अब ये इस चीज को स्वीकारते नहीं है, बस ये कह देते हैं कि कांग्रेस ही होंगे, बसपा वाले होंगे, समाजवादी वाले होंगे, आम आदमी वाले होंगे, बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जब जब कोई सत्ता में सरकार होती है, जनता दुखी जब हो जावे तो जनता अपने अधिकार की आवाज उठाती है, तो विपक्ष सहयोग करने आता है। 2013 में ये भी तो आंदोलन करके आए है, हमें आंदोलन जीवी बता रहे है, ये आंदोलन करके आए, इनको इतने मैनर्स नहीं है, इतनी तमीज नहीं है इन्हें, कि हमारे देश में अगर आंदोलन नहीं होता तो आज हम आजाद नहीं होते, इतने स्वतंत्रता सेनानी और इतने आंदोलनकारी देश में रहे, जब तो हम आजादी मिली, तो ये तो उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचा रहे जिन्होंने आंदोलन कर करके हमारे देश को आजाद करा, और कौन पहुंचा रहे, देश की इतनी पावरफुल, इतनी सम्मानित कुर्सी पे बैठे प्रधानमंत्री जी, वही कह रहे हैं ना आंदोलन जीवी, तो आंदोलन होते हैं जब सरकार से पब्लिक खुश नहीं होती, जनता खुश नहीं होती, दूसरे लोग सहयोग करने आ जाते हैं, ये भी तो आए थे 2013 में कांग्रेस के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा, महंगाई बढ़ गई, महंगाई, अब महंगाई नहीं दिख रही किसी को, कभी 65 रुपये में तेल है, जब इतना बैरल महंगा भी नहीं आया तेल का, जो ये पेट्रोल है बैरल उस टाइम पे इतना महंगा नहीं है, और उस टाइम पे पेट्रोल सस्ता 65, जब इन्हें महंगा लगा, अब बैरल सस्ता है और अब इन्हें तेल 100 पहुंचा दिया, इन्हें अब महंगा लग रहा, तो ये देखो ना आप, तो ये स्वीकारते नहीं है और सरकार स्वीकार लेती है, तो ये दिक्कत है। अच्छा, तो पूनम बड़ा संघर्ष वाला सफर रहा होगा ना, एक छोटे से गांव से निकल करके इतना मुखर होकर के किसानों की बात रखना, इतनी पावरफुल सत्ता से, इतनी भोली भाली सत्ता से, बीजेपी सरकार बड़ी भोली भाली है, राम राज्य वाली ज्यादा है, तो उनसे लोहा लेना बड़ा मुश्किल रहा होगा पूनम। बहुत ज्यादा मुश्किल था, परेशानी बहुत थी, एज अ वुमन आल्सो, हाँ वो मेन बात ये होगी ना, एक लड़की है तो औरत, इनको पुरुष प्रधान वाला सिस्टम नजर आ जाना, औरतों के तो वैसे खिलाफ, मनुस्मृति के लोग हैं ये भी खिलाफ हो गए, दूसरे बड़े बड़े किसान नेता भी खिलाफ हो गए कि यो इसे रोको, ये ज्यादा जा रही है आगे, लोगों का प्यार ज्यादा मिल रहा, तो हमारे हमें तो दो लड़ाई हो गई, एक सरकार से हो गई, एक बड़े बड़े किसान नेताओं से हो गई, दूसरा किसान नेताओं से भी लड़ाई हो गई, तभी तो आंदोलन में रोकने की बात करी थी, आंदोलन में रोकने का मेन कारण क्या है, कोई गलती नहीं आंदोलन में, आज तक कोई निकालते मैं जरा, तो कोई प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगी, मैं राजनीति की दुनिया में कभी झांकूंगी भी नहीं अगर कोई मेरी गलती निकाल दे। एक कहने लगे थे पूनम डर गई, लोग कह रहे थे बीच में कि पूनम डर गई इसीलिए रो दी, जब हमें हमारे परिवार की वैल्यू कौन समझेगा जो परिवार से प्यार करता है, अब हम लगातार 4 महीने तक आंदोलन में जा रहे, तो किसान परिवार हमारा अपना परिवार हो गया, अब एकदम से हमारे बिना गलती के हमें हमारे इतने बड़े परिवार से कोई दूर करेगा तो क्या दुख नहीं होगा, तो ये दुख वैल्यू कौन समझेगा, ये आंसू कीमत, जिसका परिवार होगा तो हमें परिवार से जुड़े हुए पहले से और फिर वो परिवार इतना बढ़ गया उससे दूर करने की बात कर दी, कष्ट वष्ट तो आए ही हैं बहुत ज़्यादा, जिंदगी कोई ऐसो आराम वाली नहीं रही, परिवार से भी बहुत मेहनत करके आए हुए हैं, परिवार में भी कुछ खास इतना वो नहीं रहा, हमारे बुजुर्गों का भाई ठीक है जैसे था, उनके आज उनके सम्मान से उनके आशीर्वाद से हैं यहाँ पे, तो वहाँ भी मेहनत करके पहुँचे, दलाली करके नहीं पहुँचे। तो पूनम सरकारें तो इसी तरीके से जात पात पे चुनाव लड़ती हैं, हर सरकार का अपना एजेंडा होता है, फलानी सरकार का कुछ एजेंडा, कुछ सरकार हिंदू मुसलमान पे लड़ती हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव और जाति सब आपस में मिली हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या जनता जिन मुद्दों की आप बात कर रही हैं, जैसे महिलाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की प्रगति के विकास की बात कर रही हैं, किसानों के विकास की बात कर रही हैं, युवाओं के विकास की बात कर रही हैं, बेरोजगारी की बात कर रही हैं, तो क्या इन सब पर जनता वोट देती है क्या? जो ये वायरस इन्होंने लगाया
हिंदू मुस्लिम का, जात बिरादरी का, बीजेपी वालों ने क्या अबसू पहले ऐसा लगाया किसी सरकार ने? क्या अबसू पहले ऐसे सिस्टम खराब हुए? नहीं हुए। तो मैं, मेरी सभी धर्मों के लोगों से अपील है, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता मैं किसी के धर्म का अपमान करूं, और मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म में ऐसा लिखा हो कि किसी धर्म का कोई धर्म अपमान करे। नहीं तो राजनीति में, चुनाव में तो जातिवाद होता ही है, और उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में तो चुनाव इसी बात पे लड़े जाते हैं। जनता बहुत समझदार है, लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, जो गलती वो कर चुके हैं वो नहीं करना चाहते। बुजुर्ग हमें समझाते थे, बेटा इन्हें वोट मत देना, इन संघियों को वोट मत देना, ये आए नाश करके गए। स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी भी बोल के गए थे कि जब ये आरएसएस वाले आएंगे ये देश का नाश करके जाएंगे, लोगों को बटाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे, लोगों को झगड़ाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी इस बात को कह करके गए है कि ये नाम है। तो ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने उनको सुना हुआ, उन्हें बताया, हमें बताया कि इनको वोट मत देना, लेकिन हम युवा ने नहीं मानी। अब की बार जो चुनाव होगा यूपी में, वो चुनाव पूरे देश में 2022 में यूपी में होगा, 24 में केंद्र का होगा, ठीक, तो वो इन मुद्दों पर होगा कि 7 साल में कितनी तो नौकरी मिली, ठीक, कितने महिलाओं को सम्मान मिले, कितने अब की बार कोरोना काल में सिस्टम कितने फेल हुए थे, सरकार के कितने सिस्टम फेल हुआ, आप जैसी होने और हम जैसे लोगों ने सैनिटाइजर कराया, लोगों को अस्पताल पहुंचाया, ठीक, हम लोगों ने और किसान लोगों ने जो धरने पे बैठे हुए हैं, तारीफें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत बढ़िया काम किया गया। देखिए मैं लखनऊ में आई हुई हूँ, मैं आपको बता दूं अभी का एक बिल्कुल अभी का वाक्य जस्ट आपसे मिलने से कुछ थोड़ी देर पहले का, कि वो होर्डिंग हटा रहे हैं विपक्ष वाली सरकार के, नगर पालिका वाले। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भैया ये होर्डिंग क्यों हटा रहे हो आप, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी है वो। अच्छा। मैं प्रियंका गांधी जी का, हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूं ना मैं किसी पार्टी से हूं, लेकिन मतलब मैंने सोचा शायद कोई नियम होता होगा कि जो सत्ता में पार्टी है या जो सरकार है राज्य में उसका ही होर्डिंग लगते होंगे, मैंने ये सोचा था, मेरे फोन में वीडियो है। तो उन्होंने आज उनका दौरा भी था शायद, वो आज गए हैं, मैंने बहुत होर्डिंग वगैरह लगे हुए थे तो देखा, तो वो प्रियंका गांधी का होर्डिंग तुरंत हटाने लगे, जाने को देर नहीं हुई तुरंत हटाने लगे। तो मैंने जाके पूछा, मैं भैया इन्हें क्यों हटा रहे हो, कह रहे हमें आदेश है इन होर्डिंगों को हटाने के। मैंने कि कौन से होर्डिंगों को, इन वाले इनको, मैंने इन वाले इनको या जितने होर्डिंग है लखनऊ में सारे इनको, उनका नहीं इन वाले में क्यों, मुख्यमंत्री जी आने वाले, मैंने कि कौन से जो पूर्व है वो या जो फिलहाल में है वो आने वाले, कह रहे नहीं आदित्यनाथ जी। मगर अच्छा तो इनको हटाने के, मैंने कि भैया कोई ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री जी को नहीं देखना चाहे, आदित्यनाथ जी को नहीं देखना चाहे, तो क्या ये मजबूरी है जबरदस्ती देखेंगे? आपने उनके इतने फोटो लगाए हुए, इतने होर्डिंग लगाए हुए, आपने भी देखा अगर इतना खर्चा जितना कोरोना वैक्सीन मुफ्त, ये तो राजकाज है पूनम, राजकाज जितना में तो सब चलता है। सुनिए इतनी इतना खर्चा हुआ जितना, चलो अच्छी बात है वैक्सीन दी, हालांकि वैक्सीन कितने समय बाद दी, कितने सिस्टम बाद दी, कितने लोगों के खत्म होने के बाद दी, वो आपको भी पता मुझे भी पता सबको पता, अच्छी बात है। लेकिन जो यू प्रचार में हुआ, प्रचार में इतना पैसा लगा हुआ, जगह जगह एक चौराहे पर चार चार होर्डिंग है थैंक यू मोदी जी, तो वो मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से, अपने, मैं देश की बेटी हूँ, सीधी बात है, सीधे बात करूंगी, सीधा सवाल करूंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये होर्डिंग लगाए हैं वो प्रधानमंत्री फंड से लगाए हैं, प्रधानमंत्री जी की सैलरी से, या मुख्यमंत्री जी की सैलरी से लगाए हैं, या जनता के टैक्स से लगाए हैं, या अपनी जमीन वमीन बेच के लगाए हैं, या वो जनता का टैक्स का पैसा इन होर्डिंगों में जा रहा। इससे बेहतर होता कि आप होर्डिंग में इतने पैसे बर्बाद ना करके जनता को ऑक्सीजन या हॉस्पिटल वेंटिलेटर तैयार करते, तो ये इतनी बुरी हालत हुई थी ये नहीं होती। अभी भी डॉक्टरों ने और सरकार भी बोल रही है कि तीसरी लहर आने वाली है तो वो बच्चों में आवेगी, तो होर्डिंग लगाने से तो बढ़िया है, वेंटिलेटर और ज्यादा बढ़ा लेते, हॉस्पिटल बढ़ा लेते, और वैक्सीन भी पूरे देश में अभी नहीं लगी है कि मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। जब जब कोई आपदा आती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और जब कोर्ट ने फटकार लगाई, जब मुफ्त में जाके वैक्सीन दी, सबको पता मुफ्त वैक्सीन देने के लिए थैंक यू, इतने बड़ा होर्डिंग बनने का क्या मतलब है, बहुत महंगा बनेगा। तो वो जो पैसा एक चौराहे पे होर्डिंग लगे हुए हैं चार, तो वो पैसा जो वहां लगा हुआ उसे जनता की सेवा में लगाते तो शायद मेरे हिसाब से अच्छा होता। और ये सवाल भी है, जरूर बताना जो अंधभक्त ज्ञान देते हैं बैठ बैठ कर समय निकाल के अपना, तो भाई मुझे बताना कि ये प्रधानमंत्री जी के फंड से आया पैसा, या उनकी सैलरी से आया, या जनता के टैक्स से आया, ये जरूर बता। मैं तो आज हमारे साथ पूनम पंडित थी, ये ऐसा बोलती हैं कि सामने वाले की बोलती बंद कर देती हैं, इनकी बोली के आगे, इनकी बात के आगे किसी की नहीं चल पाती, फिर चाहे वो राजनीति के लोग हों, फिर चाहे वो पत्रकार हो। तो पूनम पंडित बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारा लखनऊ आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है, अच्छा लगा आपको लखनऊ? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी खूबसूरती जो है हमारे देश की, लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हमारा देश हो, इसकी खूबसूरती जब बरकरार रहेगी, जब हमारे देश में, हमारा देश आज़ाद है और एक गुलदस्ता माना जाता है भारत,
सभी धर्मों के लोगों का, हाँ सभी धर्मों के लोग इसमें वास कर सकते हैं और उस गुलदस्ते में एकता रहे, वे प्यार रहे, वे मोहब्बत रहे, गुलदस्ते में से एक फूल निकल जाएगा ना तो वो गुलदस्ता इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसकी और ज्यादा खूबसूरती जो है हमें तब अच्छी लगेगी और भी ज्यादा कि इन लोगों के बहकावे में नाम है, जात धर्म में ना बटे और इनके पास मुद्दे नहीं है 2022 के चुनाव के लिए। धर्मवाद में जातवाद में ये बांटेंगे, जरा वोट लेकर देखें, ये रोजगार के नाम पे, जरा वोट लेकर के देखें महिलाओं के सम्मान के नाम पे, वोट लेकर देखें किसानों को सम्मान निधि के नाम पे। बोल रहे 5 किलो राशन बटा 5 साल की थी मैं तब से सुन रही हूँ राशन मिलता है, उस राशन में तेल भी गिरा है, मिर्च भी गिरा है, हल्दी भी गिरा है, उनके क्या रेट पहुंच रहे हैं आपको भी पता। तो इन मेन मुद्दों पर वोट लेकर के देखे ना, और हिंदू मुस्लिम पे ये वोट लेंगे, ये लड़ाएंगे भिड़ाएंगे। मेरी सभी धर्मों के लोगों से अपील है, विनती है बहुत ज्यादा, अपनी छोटी बच्ची समझ के विनती मेरी मान लेना कि इनके बहकावे में बटना नहीं है आपको, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अगर किसी से कुछ बात हो जाए, मन मुटाव हो जावे, सभी इस देश के वासी हैं, आपस में बैठ करके सुलझा लेना, ऐसे लोगों को मौका मत देना, नहीं तो जिंदगी में कोई आंदोलन नहीं होएगा। और आपने इनको मौका नहीं दिया ना तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकार के लिए एक आवाज उठाएंगे, बहुत जल्दी सुनी जाएगी। अगर आप इनके धर्मवाद में बट गए, जातवाद में बट गए तो हम अपने अधिकार की आवाज भी नहीं उठा सकते। तो ये 25 साल की पूनम है जो सिर्फ मुद्दों पर बात करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, आप लोग जो देख रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।